देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दो आंखें, दो परिवारों, दो भाई बहनों में चुनाव करना शायद बेहद मुश्किल होगा, और ऐसी ही कुछ द्वंद, ऐसी ही कुछ दुविधा राहुल जी के सामने भी रही होगी जब उनको रायबरेली और वायनाड में से एक चुनना था। खैर, निर्णय हो चुका है और वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने वायनाड के लोगों से वादा किया था और कहा था मैं ऐसा निर्णय लूंगा जिससे दोनों लोग खुश होंगे, वायनाड का प्रतिनिधित्व अब प्रियंका जी करेंगी। और सही भी है, अगर परिवार बोला है तो परिवार को तो परिवार के सदस्य के हवाले ही किया जाता है। कौन नहीं जानता प्रियंका जी की नेतृत्व की क्षमता को और लोगों के प्रति उनके अपार स्नेह को, तो वायनाड को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। प्रियंका जी एक अकेली ऐसी हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी को निरुत्तर करके बार बार चुप कराया है, बोलती बंद कर दी है, चाहे वो मंगलसूत्र जैसी बात हो या भैंस ले जाने जैसी बेसिर पैर की बातें हो या मुजरा जैसा अपशब्द हो, अपनी दो टूक वक्तव्यों से, भाषणों से पूरे संयम, पूरी मर्यादा, पूरी गरिमा के साथ नरेंद्र मोदी की जो रची गढ़ी छवि थी उसको बेरंग कर दिया है। मैंने प्रियंका जी को बड़े करीब से लड़ते हुए देखा और क्या कमाल का लड़ती हैं वो, पूरी शिद्दत से लड़ती हैं, बेहद मेहनती हैं, बेहद जुझारू हैं और सबसे ज्यादा बेहद निर्भीक हैं। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो जाती हैं और लड़ाई को अपने अंतिम पड़ाव तक लेकर जाती हैं। वो जितनी शिद्दत से लड़ती हैं उतनी ही बेपना मोहब्बत भी करती हैं। उनका कलेजा जो है वो बिल्कुल मोम जैसा है, किसी के खिलाफ अत्याचार सह नहीं सकती है, किसी के दुख को देखकर असहनीय हो जाता है, उसके लिए जरूर लड़ती हैं। बेहद समर्पित मां है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वाह करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े मुद्दों पर पकड़ रखती हैं, लेकिन उतनी ही तल्लीनता से छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती हैं और यह उनको बेहद खास बनाता है। बहुत सारे लोगों में उनको इंदिरा जी की छवि नजर आती है, मुझे उनमें एक बहुत उन्मुक्त, बेपरवाह हस्ती हुई, साहसी, सहृदय और संघर्ष करने वाली योद्धा नजर आती है। और इधर राहुल जी ने तो कमाल कर दिया, जो पांच पीढ़ियों का संबंध था उत्तर प्रदेश से वो और प्रगाढ़ हो गया, प्रयागराज से जो जड़ें निकली थी वो अब सिर्फ रायबरेली अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी हैं। उनके इस नतीजे से बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि सीएसडीएस का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लोगों की जो प्रथम प्रधानमंत्री की चॉइस है वो राहुल जी हैं, मोदी योगी सबसे कहीं आगे। उनके इस निर्णय का दूरगामी परिणाम होने वाला है, जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसकी जीत की जो शुरुआत होगी वो 2027 की आंधी में बदलेगी। राहुल जी का यूपी में डटे रहना, जिस यूपी में बीजेपी हाफ हो चुकी है उसको पूरी तरह से साफ कर देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जरा एक बार सोचिए कि सदन में बीजेपी राहुल जी से पार नहीं पा रही थी, उनका कुछ नहीं कर सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और अब वहां पर प्रियंका जी भी होंगी और वहां पर इंडिया गठबंधन के और तमाम प्रबल नेता होंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान तो बढ़ने वाला है।